तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की तीखी और मीठी और नमकीन टेस्टी सब्जी। तो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बनाना शुरू करते हैं आम की खट्टी मीठी और नमकीन टेस्टी सब्जी। तो अब हम आम को काट लेते हैं, छील लेते हैं पहले। ये गिर के थोड़ी सी आमी फट गई थी, तो इसलिए हम पहले से छोटी सी आमी छीलते हैं। छील के सारी आमियों को अच्छे से धो के काट लेंगे और फिर बनाते हैं टेस्टी सब्जी। तो फ्रेंड्स, जरूर देखना एक बार और बने रहे हमारे कुकिंग फनी ब्लॉग्स चैनल पर। प्लीज देखना ना भूलें हमारा ब्लॉग 6 बजे के बाद किसी भी टाइम अपलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट जरूर करना और देखना मत भूलना। तो हम इन आमियों को छीन लेते हैं, छिक्कल बाहर निकाल लेते हैं सारे आमियों के ऊपर से और बनाने की तैयारी करते हैं। तो प्लीज़ बने रहें। फिर मोटी आमी का नंबर, इसको भी कर देते हैं, छिक्कल उतार देते हैं अच्छे से और फिर चलते हैं। तो हम सारी आमी को इस तरह से छील लेंगे और फिर हम धोके इनकी कटिंग कर लेंगे और फिर चलेंगे ऊपर चूल्हे पर बनाने के लिए। तो प्लीज़ बने रहें, इतनी सब्जी सारी आमियों को अच्छे से छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आमी छीन ली है, अब हम धोके अच्छे से काटेंगे। तो आमी को अच्छे से धो लेते हैं और धो के अच्छे से काटेंगे और फिर बनाने जाएंगे ऊपर चूल्हे पर। तो ऐसे ही सब आमी को कट कर लेंगे अच्छे से। ये हमारी वीडियो में ज़रा परेशानी हो रही है, बार बार हम वीडियो चालू करते हैं रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। तो हम सारी आमी ऐसे ही कट कर लेंगे, सब अच्छे से कूटा उतार लेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, हमने आमी काट ली है बढ़िया से। अब हम आ गए ऊपर चूल्हे पर बनाने के लिए। हमने आग जला ली है चूल्हे में, हम रखते हैं कढ़ाई। हम लोहे की कढ़ाई में बनाते गए थे, लोहे की कढ़ाई में फायदेमंद होती है सब्जी बनाकर खाने, इसलिए हम ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा बनाते हैं। चूल्हे पर तो पता ही है लोहे की कढ़ाई काम देती है। इसलिए अब हमने कढ़ाई रख दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गर्म होने लगी। अब हम डालेंगे तेल, देसी ऑयल। अब गर्म होने देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब डालेंगे जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी
डाल देंगे आने। आने को अच्छे से घेरे में सौंफ मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे मसाले अच्छे से, देखता देखते कुछ नहीं देखते। फिर हमें छोटे छोटे आने जाने हैं, इन्हें काटा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ मसाले हैं, इन्हें डाल देते हैं। पानी गिर मिक्स करना सब देख पानी लगा नहीं मसाला भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और ढक के गलने के लिए रख देते हैं। ढक देते हैं आमियों को, जो गल जाए फिर हम डालेंगे इसमें चीनी। अब आमियों को पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारी आमी गल गई है। तो आमी हो चुकी है, डालेंगे चीनी। अब तेरी धुआं बड़ा लग रहा है। अब डालेंगे चीनी। थोड़ी सी बस बच्ची। अब अच्छे से मेथे को इसमें मिक्सन देते हैं और हम धीमी आंच पे अपनी आमी को पकाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये हमारी आमी तीखी मीठी है नमकीन। तो अब हम इसे धीमी आंच पर मीठे को अच्छे से पकाने देंगे। आमी तो हमारी गल गई है। अब भर देते हैं अच्छे से अपने मीठे को पकने देंगे। लगभग हमारी आमी तैयार है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारी आमी बन गई क्या। वैसे तो हल्के तो फ्रेंड्स देखिए हमारी आमी का कितना मस्त कलर आया है। बंद कर दे रही हूँ, हमारा मीठा अच्छे से पक चुका है, आमी भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम उतार देते हैं कढ़ाई। अब तक फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें शेयर करें। फिर आपके लिए नई रेसिपी लेकर आएंगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो देख फ्रेंड्स देखना जरूर तो देखिए कितनी लगी इस बनी है। देखिए आप इसे पराठे कोई किसी के साथ भी खा सकते हैं, फुलके के साथ मज़ा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितनी मस्त बनी है।
तो फ्रेंड्स देखते हैं, हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर रेडी है। तो देखिए हमारी सब्जी कुछ इस तरह से बनी है। ये हमने इसमें छोटी छोटी आमें छोड़ दी थी काटी में। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम आपके लिए फिर से नई रेसिपी लेकर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। आपको फिर से आपको एक बार कह रहे हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बनी हमारी मीठी आने की खट्टी मीठी और नमकीन सब्जी। आप इसे रोटी पूड़ी या पराठे के साथ किसी के साथ खाइए। बहुत टेस्टी लजीज सब्जी बनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी का मस्त कलर आया हमारे सब्जी का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तो देखिए सब्जी हमारी कुछ इस तरह से लजीज बनी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। आप धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, आपकी मर्जी है।